ओके, नीचे भी जा सकता है। लेट मी सी। भाई साहब, यहाँ पे जो है मार्केट काफी गिर गई। ओके, कोई बात नहीं, शांति से काम लेंगे। यहाँ पे जो है हम वापस बना सकते हैं इन पैसों को इजीली। हाय गाइस, मेरा नाम है कबीर खन्ना, और अगर आपको नहीं पता है, मेरा एक टेलीग्राम पे फ्री चैनल है जहाँ पे मैं हर एक दिन फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो और ज्वाइन इन करके पैसे बनाना आज ही से शुरू करो। Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है कबीर खन्ना, या फिर आप मेरे को मेरे चैनल का नाम से जानते हो, द देसी ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में हम जो है अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से अप्लाई करेंगे डिफरेंट मार्केट्स में, और देखेंगे कि आप कैसे एक सिंगल स्ट्रैटेजी के साथ भी काफी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकते हो कंसिस्टेंटली, अगर आप सीख लो कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। दूसरा, अगर आप एनालिसिस सही करते हो और मार्केट को समझते हो। तीसरा जो है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे आप पैसे बना सकते हो। तो जरूर से देखना, अगर नए हो चैनल पे, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही वीडियोस और स्ट्रैटेजीज लेके आता रहता हूं। और दूसरा जो है मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जरूर से क्लिक आउट कर लेना, क्योंकि मैं हर एक दिन वहां पे फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, तो उसको जरूर से चेकआउट करना, बिल्कुल भी मत भूलिए, आज ही से पैसे बनाना शुरू कर सकते हो। तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, बट उससे पहले जो है वीडियो को पूरा देख लो ताकि आपको ट्रेडिंग के बारे में प्लस माइनस जो है थोड़ा आइडिया लग जाए। तो बिना किसी देरी के ट्रेडिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आज का जो है सेशन शुरू कर लेते हैं। आज हम जो है शुरू करने वाले हैं 13,319 डॉलर से। यूरो और पाउंड है हमारे पास यहाँ पे पेयर, यूएसडी और येन है, और पाउंड और यूएसडी है, ठीक है। कैंडल्स हमारी जो है 5 सेकंड पे लगी हुई है, और हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 2 मिनट्स पे रहने वाला है। इंडिकेटर जो है हमारा, हम टेम्पलेट लगाएंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग, अगर आप देखना चाहते हो 13,312, और पैराबोलिक स्टार जो है हम छेड़ते नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मार्केट को देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो काफ़ी जो है हमारे यहाँ पे हाई वाले जो है मार्केट काफ़ी चल रही है, अभी भी जो है कैंडल काफ़ी हाई गई है, राइट। तो यहाँ पे जो है थोड़े से जो है पैसे हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे हम जो है साथ के साथ ही पैसे बना सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आई थी अभी यहाँ से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नीचे जानी चाहिए मार्केट। ओके, तो यहाँ कहीं पे एंड होनी चाहिए मार्केट, देखते हैं, या फिर यहाँ पे भी हो सकती है, देखना पड़ेगा, बट मैं होप करूँ कि यहाँ पे जो है मार्केट एंड हो हमारी। मेजरली मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे जानी चाहिए मार्केट, अगर आप स्टोकास्टिक को और आरएसआई को देखोगे तो काफ़ी जो है हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा था, और उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए है, आप देख सकते हो, उसके साथ ही जो है मार्केट नीचे की तरफ आने लग गई है। तो मेरे हिसाब से जो है काफ़ी क्लोज रहेगा यहाँ पे, बट होपफुली जो है नीचे रहना चाहिए, और काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से, जैसा कि मैंने आपको बोला था जहाँ पे एंड होनी चाहिए मार्केट वहीं पे एंड हुई बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे जो है 420 डॉलर बना लिए हैं, 13,740 डॉलर हो गए हमारे पास ऑलरेडी। अगली मार्केट पे चलते हैं, यहाँ पे भी अपना जो है टेम्पलेट लगा लेते हैं जल्दी से। ओके नाइस, तो यहाँ पे भी जो है मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे हम जो है ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ से जो है फिर से मेरे हिसाब से नीचे की तरफ जा सकती है। तो 200 डॉलर जो है डाउन की तरफ लगा के देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है मार्केट अभी स्टेबलाइज होके इतना ऊपर नहीं जानी चाहिए, बट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और हम स्टोकास्टिक में भी देखें और आरएसए में भी देखें तो मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो हमारा एंट्री पॉइंट अच्छा है। बट यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि हमें थोड़ी सी यहाँ पर ना सपोर्ट मिल रही है मार्केट का, और वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, बट काफ़ी क्लोज रह रहा है हमारा यहाँ पे मामला। तो आखिरी कैंडल, और आखिरी कैंडल ने हमें धोखा दे दिया, और उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गई, तो हमारा जो है 200 डॉलर का यहाँ पे लॉस हुआ। बट हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जो है हम यहाँ से और पैसे जो है बना सकते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट जो है ओके, नीचे भी जा सकता है। लेट मी सी, मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए नहीं, थोड़ा साइडवेज में, अगली मार्केट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो है टेम्पलेट फिर से लगा लेते हैं, यहाँ पे पैसे जो है बढ़ा लेते हैं थोड़े से। क्यों पैसे बढ़ाने, क्योंकि हमने जो है पहले का लॉस किया, और जो है प्रॉफिट बनाना है, रिकवर भी करना है अमाउंट। तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ अभी ग्रो कर रही है यहाँ पे,
तो देखते हैं हम कहाँ पे ले सकते हैं एंट्री पॉइंट। तो यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है एक वाइज डिसीजन रहेगा अगर हम ऊपर का ट्रेड ले लें यहाँ पे। तो $500 जो है हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो है कर्व बन सकता है स्टोकास्टिक का और RSI का ऊपर की तरफ का, तो वो बन भी रहा है काफी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो है हम मेरे हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हो कि जो मार्केट है कैसे ऊपर शूट अप की, और हमारे पास मार्जिन भी काफी अच्छा खासा है। अब बस 30 सेकेंड वेट करना है फॉर द ट्रेड टू क्लोज। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, 10 सेकेंड रह गए हैं तो हमारी मार्केट क्लोज होने वाली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मार्केट कैसे एकदम से ऊपर की तरफ गई है। तो ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है कि कैसे आप जो है कर्व्स को भी देख के, स्टोकास्टिक के और RSI के, बता सकते हो कि जो है भाई मार्केट कहाँ पे जा रही है। $420 हमने यहाँ पे बना लिया है। पिछली वाली मार्केट में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर हम प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर नहीं। हमने ऑलरेडी जो है मेरे हिसाब से $600 का प्रॉफिट बना लिया आज के दिन में, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ये वाली मार्केट को भी देखना चाहता हूँ कि हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जो है मार्केट काफ़ी गिर गई। ओके ओके ओके, इसको रिकवर करें। डिस्ट्रैक्शन हुई, 1 सेकंड की डिस्ट्रैक्शन हुई मेरी घड़ी पे, और जो है मार्केट एकदम से ये जो गिरी है, उसके बाद जो है रिकवरी वाली भी ट्रेड्स मेरे हिसाब से सही नहीं लगी हैं। नहीं भाई नहीं, तो ये भाई गलत हो गया यहाँ पे काम। $600 जितना हमने प्रॉफिट बनाया था वो सब लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, शांति से काम लेंगे। यहाँ पे जो है हम वापस बना सकते हैं इन पैसों को इजिली। $700 जो है अभी हमें थोड़ा सा पता है मार्केट किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे, यहाँ से जो है मेरे हिसाब से मार्केट एक टर्न बैक लेना चाहिए ऊपर की तरफ, और वेट करेंगे आप यहाँ पे। तो हमारे पूरे 600 या फिर जितने भी हमारा प्रॉफिट था उतना तो नहीं वापस आएगा, बट $588 हमारे यहाँ पे वापस बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गैप्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट जरूर कर रहा है, बट यहां से जो है मेरे हिसाब से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे गिर चुकी है मार्केट। आप अगर देखोगे RSI में भी, स्टोकास्टिक में भी, तो भाई वहां पे भी जो है कर्व बन रहा है ऊपर की तरफ ही, क्योंकि काफी ज्यादा जो है ओवर सोल्ड कंडीशन है हमारी यहाँ पे। भाई ऊपर आ, ऊपर 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 ऊपर, भाई साहब आर यू किडिंग मी, वी हैव लॉस्ट $1,300। बट मैं यहां पे रुकूंगा नहीं, अब तो मैं प्रॉफिट यहां पे बना के रहूंगा, क्योंकि इसके बाद जो है मार्केट ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जा सकती मार्केट। वेट वेट वेट, मेरे को लग रहा है यहां पे एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही है, $1,500। तो लॉस को रिकवर करना है और प्रॉफिट बनाना है, अब ऊपर जानी चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट। पैराबोलिक सार्स भी इतने क्लोज चल रहे हैं कि जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज होना चाहिए, बट हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड जो है, हमारे जो बेयर्स है इतना ज्यादा मार्केट को नीचे रख रहे हैं कि भाई साहब भाई नहीं, ऊपर इट शुड गो अप। आप देख रहे हो कितना ज्यादा क्लोज है और वॉलिटिलिटी यहाँ पे कितनी लो आ रही है। ओके नाइस, फाइनली फाइनली नाइस, फाइनली नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड अगेन। तो $1,200 जो है हमने यहाँ पे बना लिया, अपना लॉस को जो है रिकवर कर लिया है, 13,900 पे आ चुके हैं, और जो है हमारा प्रॉफिट वापस से आ गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई ये तो काफी रिस्की हो गया था, बट आपको जो है समझ आ गया होगा कि मार्केट के जो है सेंटिमेंट्स कैसे बदल सकते हैं। तो गाइज आज का जो सेशन है वो हमारा काफी स्मूथली जा रहा था, बट जो है आखिरी वाली जो हमारी मार्केट थी ना यार, वो येन वाली, उसने दिमाग खराब कर दिया था। बस ऑलमोस्ट जो है
तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके जो है इमोशंस बिल्कुल ही उड़ जाएंगे, तो इमोशंस तो आपके रहेंगे जब आप ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, आपको पता है कि मार्केट जो है यहाँ से कहाँ पे जाने वाली है, बट थोड़ा सा वहाँ पे जो है ऑकवर्ड मूवमेंट आ रहा है जहाँ पे जो है मार्केट बिल्कुल साइडवेज जाई जा रही है, राइट। तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता होता है, बट कंट्रोल रखना है अपने आप को, मार्केट की कंडीशन को देख के अपने मूव्स को चेंज करना है, और मूव्स ऐसे चेंज करने हैं कि आपके अडैप्टेबिलिटी हो वो बिल्कुल ही चेंज ना कर दिए आप, और जो है आप प्रॉफिट में भी ना बना सको और जो है अडैप्टेबिलिटी भी ना कर सको। तो हमें पता था कि वहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाने वाली है, टाइमिंग का इशू था, टाइमिंग जो है हमने सही कर ली और हमने जो है अपना लॉसेस को है रिकवर करके प्रॉफिट भी बना लिया। हमने शुरू किया था 13,300 से, एंड हम कर रहे हैं 13,916 पे। तो काफ़ी मेरे हिसाब से जो है हमारा सक्सेसफुल सेशन था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी फीडबैक, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता लग जाए और आप माला माल बन सको। ट्रेडिंग चैनल जो है टेलीग्राम पे, उसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपका वेट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे।